आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है मेरे गार्डन में। मीन्स घर में पूरे में काम चला हुआ है तो सारे प्लांट्स ना एक ही बालकनी में मतलब शिफ्ट किए हुए हैं। तो ये मनी प्लांट है ना, दोनों बहुत ज़्यादा बिखर गए थे। ये इनकी ना मीन्स ब्रांचेस ना पूरे में फैल रही थी, फर्श पे आ रही थी। तो फिलहाल मैं उन्हें अच्छे से थोड़ा सा तार की सहायता से सेट कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब? और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गुन्ना के साथ, है ना? गुन्ना को क्या चाहिए? गुन्ना को क्या चाहिए, क्या लेना है? यह देखिए मेरा छोटा बेबी है, ये सबसे छोटा बेबी है और अभी ये सो के उठा है और इसको मम्मा टाइम चाहिए। शैतान बेबी है जो मौका लगते ही घर से बाहर भागने की कोशिश में है। किसी को ऐसे देख के ना गुन्ना का भी कीड़ा जाग उठा है, पैम्परिंग वाला, वो भी जाके बैठ गई है अपनी मम्मा की गोदी में। ये देखिए हैप्पीनेस, ये दोनों ही बावले हैं, बावला बावला एक दूसरे को देख के कुछ ज्यादा ही हैप्पी होते हैं। अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और बना रही हूँ खाना। ये आज बनी है खीर और ये है हलवा। और क्योंकि आज अमावस है, ये देखिए जो अक्सर कुछ कुछ टाइम बाद आपको मेरे व्लॉग्स में दिखने को मिलती है, शायद अभी ये लास्ट है, आगे से नहीं देखने को मिलेगी। और ये देखिए दीमक, और इसने क्या हाल किया हुआ है घर में, पूरे घर में फैली हुई है। ये देखिए पूरा दरवाजा ही हटाना पड़ गया और यहाँ पे ना ये दवाई छिड़क रहे हैं उस पर, जहाँ जहाँ से दरवाजे निकाल दिए हैं और फिर वहाँ से दवाई छिड़क दी है। अब ये लास्ट दरवाज़ा बचा है एक रूम का, सॉरी बाथरूम का है ये, उसे भी हटा रहे हैं। मीन्स पूरा ये वाला डोर तो बिल्कुल ही अलग हो गया था, मीन्स तकरीबन एक महीने से हमने इसको टच करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसा हाल था कि मतलब जैसे कि हल्का फुल्का टच किया तो ये हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। ये देखिए पूरा सामान इधर से उधर फैल गया है, पूरा घर में टूट फूट हो गई है। और यहाँ पे ये मैडम एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि बड़े बड़े जो हम लोग हैं वो तो करते नहीं, अब कोई तो इनका इस्तेमाल करे डंबल्स का। अभी ये जो दरवाजे थे चौखट लग चुकी हैं, ठीक ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। और यहाँ पे एसी भी उतार दिया गया है, ये भी अभी रेस्ट मोड में है क्योंकि बालकनी में ना टाइल्स लग रही हैं, इस वजह से यहाँ पे ये भैया कारपेंटर दरवाजे चढ़ा रहे हैं जो भी डोर निकले थे वापस से। और अभी इनका ब्रेक टाइम चल रहा है, चाय पी जा रही है ये। अभी हम आ गए हैं बालकनी में और यहाँ पे भी चाय चल रही है और यहाँ पे ये भैया टाइल्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे टाइल्स लेने के लिए। ये देखिए पूरे घर में ना काम चला हुआ है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कारपेंटर अपना कर रहा है, मिस्त्री अपना कर रहे हैं, पूरा घर फैला हुआ है। अभी हम लोग आए हैं टाइल्स पसंद करने, पार्किंग का तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है बट अभी बालकनी के लिए चाहिए थी। और पूरी फौज आई है हमारे साथ, अभी हम आपको देख रहे हैं ना। अच्छा भाई 18 भाई एक में। Let me see.
अभी बज चुके हैं 12 और अभी टाइम हो गया है सेलिब्रेट करने का। ये आ चुकी है हमारी बर्थडे करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यर पायल, हैप्पी बर्थडे पालुल। मानु हैप्पी बर्थडे टू यू। सिस्टर में से सिस उड़ा दिया। और सारे क्लैपिंग करेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रात को 12 बजे केक काटा गया है और ये केक पायल के भाई राजकुमार ने भिजवाया है। Happy birthday to you, happy birthday to you, Palu. केक 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 लो पंडित जी केक। पापा कह रहे 500 रुपए दे दिया, थोड़ा सा केक तो दे दो।